गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर का पहला टॉपिक एशिया कप के बारे में पढ़ेंगे। आइए, तो एशिया कप 2022 अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। तो एशिया कप 2022 का जो अभी संस्करण संपन्न हुआ है, कौन सा संस्करण था? तो याद रखना, एशिया कप 2022 में जो संपन्न हुआ है, ये संपन्न हुआ है 15वां संस्करण। और ये कहाँ पर हुआ था? UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में ये 15वां संस्करण संपन्न हुआ है। इसका स्पॉन्सर कौन है, मान इसको आयोजन कौन किया है, स्पॉन्सर कौन है? तो इसका स्पॉन्सर है, याद रखिएगा, ये डीपी वर्ल्ड है। डीपी वर्ल्ड, दुबई पोर्ट वर्ल्ड, ये इसका स्पॉन्सर है। अगर आपसे बात करें कब से कब तक ये संस्करण संपन्न हुआ है, तो 27 अगस्त से 11 सितंबर तक ये संस्करण चला है। पहला मैच किसके बीच हुआ पूछा जाए, तो आप बताइएगा, इसका जो पहला मैच था श्रीलंका और श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान के बीच हुआ है 27 अगस्त को, श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान। आगे बात करें अगर इसके बारे में, तो ये मैच होना कहाँ था, आयोजन कहाँ पे हुआ है? आयोजन इसका आयोजन होना था श्रीलंका में, लेकिन श्रीलंका में आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इसलिए यहाँ ना हो करके अब ये हो गया है यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में इसका ये संस्करण हुआ है। आगे बात किया जाए इसके 2022 के विजेता कौन है, 2022 की विजेता कौन टीम थी? तो याद रखिएगा, जो फाइनल मैच था श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच हुआ है, जिसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हराया, श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हरा दिया है। तो इसमें विजेता कौन होगी? पाकिस्तान, श्रीलंका हो गई। आगे बात करेंगे, लास्ट जो मैच था उसमें प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला, प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिलेगा? तो याद रखिएगा, भनुका राजपक्षा को, भनुका राजपक्षा को प्लेयर ऑफ द मैच मिला है, जिन्होंने लास्ट मैच में 45 बॉल पे 71 रन बनाए। और बात करें प्लेयर ऑफ द सीरीज, मैंने पूरा टूर्नामेंट में सबसे बेस्ट कौन रहे, तो याद रखिएगा, वानिदू हसरंगा को जो है ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है, जिन्होंने लास्ट मैच में टोटल 9 विकेट लिए हैं और 66 रन मारे थे टोटल पूरा टूर्नामेंट में। आगे बात करेंगे, लेकिन इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन कौन बनाए, अगर आपसे बात किया जाए सर्वाधिक रन कौन बनाए हैं इस पूरा टूर्नामेंट में, तो मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के हैं, जो 281 रन बनाए। और सर्वाधिक विकेट कौन लिया है अगर आपसे पूछा जाए, तो सर्वाधिक जो विकेट है ये भुवनेश्वर कुमार 11 विकेट लिए हैं, भुवनेश्वर कुमार टोटल 11 विकेट लिए। आगे बात करते हैं, अगर एशिया कप की इतिहास की बात करें, एशिया कप के इतिहास की बात अगर आपसे किया जाए, तो एशिया कप की शुरुआत पहली बार कब हुई थी, फर्स्ट बार एशिया कप कब हुआ, तो 1984 में। और 1984 में जो एशिया कप हुआ था, इसमें कुल टोटल 3 देश भाग लिए थे। और यहाँ 2022 वाले में कितने भाग लिए अगर आपसे पूछे, 2022 में भाग कितने लिए, तो 2022 में टोटल 6 देश भाग लिए थे। और 6 देश का नाम आपको याद रखना होगा, एक भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत पाकिस्तान श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और एक हांगकांग। ये टोटल 6 देश भाग लिए थे आपके 2022 के एशिया कप में। लेकिन आपके पहली बार जो 1984 में एशिया कप हुआ था, इसमें केवल 3 देश भाग लिए थे, भारत, श्रीलंका और आपका पाकिस्तान, ये 3 देश। और इसमें विजेता कौन था? भारत इसमें विजेता रहा है। और उस समय उप विजेता कौन था? श्रीलंका था। और 1984 का आयोजन कहाँ पे हुआ था अगर आपसे पूछ ले, तो याद रखिएगा, 1984 का जो आयोजन था, 1984 का आयोजन
1984 का आयोजन यूएई में हुआ था, यूएई में 1984 में आयोजन, जहाँ पे इस बार आयोजन हुआ था वहीं पर 1984 में भी आयोजन हुआ था। और एशिया कप की बात करें, एशिया कप किस वर्ष अंतराल किस अंतराल पे होता है? एशिया कप का अगर आपसे अंतराल पूछे तो याद रखिएगा प्रत्येक 2 वर्ष पर एशिया कप का आयोजन होता है। और एशिया कप के इतिहास में जाएं तो 1984 में जब शुरू हुआ था तब से लेकर के टोटल जितना भी हुआ है 50-50 ओवर के मैच हो रहे थे, वो जिसे हम लोग ओडीआई कहते हैं। लेकिन 2016 और 2022 में ये 2 बार अभी तक कितनी किस फार्मेट हुआ है, T20 फार्मेट में। पूछा जा सकता है कि आज तक कितनी बार T20 फार्मेट में एशिया कप हुआ, तो 2 बार, 2016 और 2022। पिछली बार का आयोजन कब हुआ था अगर आपसे पूछे, पिछली बार कब हुआ था, तो अगर पिछली बार पूछे तो 2018 में हुआ था, 2018 में पिछली बार आयोजन हुआ था। और ये पिछली बार कहाँ पे हुआ था, यूएई में हुआ था, यूएई। और विजेता कौन है, पिछली बार का विजेता पूछ ले अगर आपसे, तो भारत पिछली बार का विजेता था 2018 में। किसको हरा के विजेता बना था, तो बताइएगा बांग्लादेश को हरा के विजेता बना था, बांग्लादेश को हरा के विजेता बना था। और आगे बात करें हम, तो ये रही इतनी बातें इस चीज़ के, थोड़ा सा और आगे चर्चा करना है इसके बारे में। देखिएगा जैसे 2018 के बाद 2020 में होना था, लेकिन कोरोना महामारी आप लोग जानते हैं चरम पे थी, नहीं हुई। और 2021 में फिर होना था, 21 में शिफ्टिंग हुआ, उस समय भी कोरोना था, नहीं हुआ। 2022 में ये होना था, श्रीलंका में होना था, लेकिन श्रीलंका में आर्थिक स्थिति ख़राब थी, इसलिए श्रीलंका में ना होकर के 2022 कहाँ पे हो गया, तो याद रखिएगा 2022 का आपका हो गया यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर का पहला टॉपिक। लेकिन एक पॉइंट और छूटता है, थोड़ा सा देख लीजिए, अगर पूछे सर्वाधिक बार विजेता कौन रहा, सर्वाधिक बार विजेता कौन रहा, तो याद रखिएगा 7 बार का विजेता भारत, उसके बाद 6 बार का विजेता आपका रहा है पाकिस्तान, आपके श्रीलंका, और 2 बार आपके रहे हैं पाकिस्तान। 7, 6, 13, 2, 15, तो ये कौन सा संस्करण है, 15वां संस्करण है। देखिएगा ये 15वां संस्करण है, 7 बार की विजेता आपके भारत रहे, हम लोग रहे, 6 बार श्रीलंका रहा, और 2 बार कौन रहे, पाकिस्तान रहे। भारत किस बार एशिया कप में शामिल नहीं हुआ, भारत शामिल नहीं हुआ क्योंकि हम लोग भारतीय हैं तो भाई बताना ज़रूरी है। भारत किस बार शामिल नहीं हुआ, तो याद रखिएगा 1986 में भारत शामिल नहीं हुआ था एशिया कप में। तो और पूछे कुछ नहीं है, तुम बचा तो कुछ नहीं है। हाँ जी, बस इतना सा रहा आज के करंट अफेयर में एशिया कप के बारे में। एशिया कप के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको अब मिलेगा तो आप आराम से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।